हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पल्सर 150 UG4 BS3 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आज मैं HJG के फॉग लाइट इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो पहले आपको फॉग लाइट दिखा देता हूँ। उससे पहले आप बाइक का लुक देख लीजिए। यह मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ लेग गार्ड पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लैंप है, ये स्पेशली फॉग लाइट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, HJG का है ये, आपको दिखा देता हूँ। अगर ये क्लैंप भी आपको परचेस करना है तो मेरे पास मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये टू पीस में होता है। ये क्लैंप मैंने यहाँ फिटिंग कर दिया प्रॉपर मेजरमेंट लेके, और आपको अभी फॉग लाइट दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है वो फॉग लाइट। ये आउल लाइट आपने देखा ही होगा, आउल लाइट वाला उसका नया अपडेट वर्जन आया है, ये रेक्टेंगुलर, और इसमें भी दोनों प्रोजेक्टर है और आउल लाइट में भी दोनों प्रोजेक्टर है, सेम ही लाइट है। ये आपको ओपन करके दिखाया जाता है इसमें क्या कुछ मिलता है। ये एक लाइट है, इसका पूरा सील किया हुआ रहता है ये लाइट, ये प्लास्टिक से आपको दिखाया जाता है। ये मैंने ओपन किया था टेस्टिंग के लिए, लगाने के लिए, इससे पूरा सील होता है ये और लाइट। और पहले लाइट का लुक देख लीजिए, ये देखिए ऐसा कुछ लाइट है, और ये वाइट येलो, और ये फुल्ली वाटर प्रूफ है, ये देख सकते हैं फुल्ली वाटर प्रूफ है, यहाँ से पानी जाने को कोई चांस नहीं रहता। इसमें रबर का सील होता है इसमें अंदर में, ये देखिए वाइट येलो, ये HJG का ओरिजिनल है ये, आप देख सकते हैं इस पैकिंग में आता है। पैकिंग में और देख लेते क्या इसका क्लैंप है, और एक एलन की भी मिलता है, ये भी मैंने ओपन करके देख लिया था। ये इसका क्लैंप फिटिंग के लिए, और ये नट बोल्ट्स, और इसके साइड के दोनों एलन की बोल्ट आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों एलन की बोल्ट। और इसके पहले मैंने मिनी ड्राइव का वीडियो बनाया था, उसको मिरर में माउंट किया था। इसको मैं लेग गार्ड में माउंट करने वाला हूँ, वो मैंने निकाल दिया है, इसको मैं लेग गार्ड में माउंट करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसका वायर है, थ्री वायर है, इसमें ब्लैक ग्राउंड हो जाएगा। इसका रेड वाला वाइट फॉग लाइट के लिए है, और येल्लो वाला येल्लो फॉग लाइट के लिए। तो मैं फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसमें फॉग लाइट में आपको दिखा देता हूँ, ये आपका क्लैंप है, इसके अंदर पहले बोल्ट लगाना पड़ेगा, ये ऐसा बोल्ट लग जाएगा इसके अंदर, और फिर आपको इसमें ऐसा लगाना पड़ेगा, और साइड में दोनों एलन की बोल्ट आ जाएंगे। और इसको मैं हल्का टाइट कर लेता हूँ, बाकी फिर नाइट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसका, और अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ ये इसमें लगाना। और मैं फुल वायरिंग आपको दिखाने वाला हूँ विथ रिले, रिले भी लगाने वाला हूँ मैं इसमें, और रिले का वायरिंग हार्नेस भी आपको परचेस करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये इस साइड में मैं लगाने वाला हूँ इसको, ये ऐसा लग गया, उसके नीचे फिर एक वॉइसर आएगा और एक कट वॉइसर जिसे लॉक वॉइसर भी बोला जाता है, और एक नट, अभी का मैंने हैंड टाइट किया हुआ है। तो गाइस, ये मैंने फिटिंग कर दिया, आपने देख ही लिया होगा, और इसमें देखिए गैप कितना है, बहुत ही ज़्यादा कम गैप रखा हुआ है एकदम। अगर ये इस साइड में कर दिया ना तो ये थोड़ा एंगल बराबर नहीं आएगा रोड पे, तो मैंने ये प्रॉपर फिटिंग कर दिया, आप देख सकते हैं। और मैं अभी राइट साइड का भी कर लेता हूँ फिटिंग, फिर उसके बाद मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ। तो ये है वो रिले, मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिले का वायरिंग। ये जो दोनों सेम कलर के, वो दोनों फॉग लाइट पे जाएंगे, इसका ब्लैक ग्राउंड है और बाकी ये फॉग लाइट का है दोनों, और इसमें ये दोनों हो गया है। और ये जो लॉन्ग वाला दिखाया, ये एक आपका बैटरी पे जाएगा, ये बैटरी पे जाके, और ये ग्राउंड आप किसी भी मेटल पार्ट पे ग्राउंड कर सकते हैं। और ये दो ब्लू कलर का वायर है, ये स्विच पे जाएगा, और स्विच का जो एक वायर है जो मेन वायर होता है मैंने यहाँ लगा दिया, ये स्विच भी आप परचेस कर सकते हैं मुझसे, फुल्ली वाटर प्रूफ स्विच है, फुल्ली वाटर प्रूफ स्विच है। ये मिरर माउंट स्विच है, ये मिडल में क्लोज होता है, ये अपर, और ये इसका भी मैंने वायरिंग कर दिया है, इग्निशन के ब्राउन वायर में डाल दिया। पल्सर में आप, बजाज के ऑल बाइक्स में आप ब्राउन वायर में लगा सकते हैं, इग्निशन के दो वायर होते हैं, एक वाइट और एक ब्राउन, तो ब्राउन वायर में लगा दिया है। ब्राउन वायर में जब की ऑन करते तभी उसमें करंट आता है, और वाइट वायर पर मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका बाइक ऑफ रहने पे भी फॉग लाइट ऑन रहेगा। और इसका वायरिंग करके मैंने इसके अंदर से निकाल दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें स्विच में थ्री वायर होते हैं, जो मिडल वाला वायर है वो रेड कलर का था, उसको मैंने इग्निशन पे डाल दिया है, और दोनों वायर ये वाले वायर पे आ जाएगा। और ये मैं माउंट करने वाला हूँ, पहले रियर में माउंट करने वाला था पर मेरे पास वायर एक्स्ट्रा नहीं है उधर तक ले जाने के लिए, इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ ये।
आपको दिखा देता हूँ कहाँ मैं माउंट कर रहा हूँ। मैं इसको ये लेग गार्ड है, सिंगल पीस लेग गार्ड है, यहाँ इस साइड में मैं माउंट कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज वायरिंग दिखा देता हूँ आप, ये मैंने यहाँ माउंट कर दिया है, ये लेग गार्ड सिंगल पीस लेग गार्ड है, इसमें मैंने माउंट कर दिया ये। और मैं इसका थ्री वायर है को दिखा देता हूँ, ये स्विच पे जाएगा और ये दोनों फॉग लाइट पे जाएगा। इसका ब्लैक ग्राउंड है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉग लाइट का वायरिंग है, ब्लैक ग्राउंड और येल्लो और रेड। तो ये सेम मैं इसको इसमें अटैच करने वाला हूँ, सेम टू सेम इसमें मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, ब्लैक से ब्लैक जॉइंट कर दूंगा, येल्लो से येल्लो और रेड से ग्रीन मैं जॉइंट कर लेता हूँ। दोनों साइड का सेम ही रहेगा। और जो दो सिंगल पीस वायर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर स्विच में चला जाएगा। स्विच का मैंने एक पॉजिटिव इसमें इग्निशन में दे दिया है ब्राउन कलर में, और उसका दो वायर यहाँ से नीचे से लेके ये आया हुआ है, ये दोनों वायर मैंने निकाल दिया है। और ये पहले मैं इतना कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज मैंने प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर दी, आपको दिखा देता हूँ, ये स्विच ये मैंने प्रॉपर आपको बता ही दिया था वायरिंग। और ये कि वायर मैंने ये जो मैं बताया था आपको, दो वायर इसमें ब्लैक एंड रेड रहेगा, ये रेड वाला मैंने इसमें लगा दिया। एक मैं लाइट चालू करके दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगा है दोस्त। तो ये देख सकते हैं इसमें रेड कलर का वायर मैंने लगा दिया, उसको पूरा मैंने टेप से कवर कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये एक्स्ट्रा वायर था तो इसको यहाँ से ऐसा लेके आया हूँ, बस वो दो ही वायर है इसमें, आपको ज़्यादा दिख रहा हो क्योंकि ये लॉन्ग वायरिंग था इसलिए इसको ऐसे ही रखा हुआ है। और जो ब्लैक कलर का वायर है ऐसा जाकर ये लॉक में मैंने ग्राउंड कर दिया, आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का वायर है। और रेड वाला आपको बैटरी के पॉजिटिव में लगाना है। और आपको रिले का भी दिखा देता हूँ, और रिले फुल्ली सील किया हुआ रहता है तो उसमें पानी भी गया तो कोई ये नहीं रहे, प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा सील किया हुआ रहता है। और इसका वायरिंग देखो मैंने एकदम प्रॉपर टैंक के नीचे से लेके आ गया हुआ यहाँ तक। और ये देखिए प्रॉपर मैंने कर दिया है इसका वायरिंग, और इसमें जिप टाई मार दिया ब्लैक कलर का। और ये ज़्यादा बड़ा वायरिंग था इसलिए यहीं पर रख दिया, ताकि आगे चल के अगर कहीं और माउंट करना है तो उसके लिए मैंने ये वायर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और देख सकते एकदम प्रॉपर हो गया है, लेफ्ट साइड से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए प्रॉपर मैंने जिप टाई करके, देखिए प्रॉपर मैंने इसमें वाइसर लगा कर ताकि ये प्लास्टिक का तो ख़राब ना हो, और प्रॉपर माउंट कर दिया। इसका अभी एडजस्टमेंट करना बाकी है, वो नाइट में करने वाला हूँ, तभी आपको उसके पहले लाइट दिखा देता हूँ। इग्निशन पे ये नीचे किया तो येल्लो जलता है, देखिए येल्लो फॉग लाइट। इसके पहले मैंने मिरर पे माउंट किया था, तो अगर आपको विदाउट रिले वाला सिस्टम करना है तो मैंने मिरर पे माउंट किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और ये है इसका व्यू, ये फॉग के लिए, ये लो बीम है और ये हाई बीम है, हाई बीम वाइट है। ये लाइट का बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, आउल वाला हुआ था अभी फिर ये लॉन्च हुआ है, ये आउल जैसा ही है पर आउल का ब्राइटनेस थोड़ा कम आता है, इसका थोड़ा ज़्यादा है। आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ मैं लाइट का, और इसका बैटरी भी दिखा देता हूँ, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है ये, 12.3 है, मैं लो बीम अभी ऑन कर दिया है, 12.1 तक जाता है। और ये हाई बीम सेम ही है, दोनों का भी सेम ही है, सेम ही बैटरी थोड़ा ही लगता है। और आप बाइक स्टार्ट पे ये ऑन कीजिए तो अच्छा रहेगा, जिससे बैटरी भी चार्जिंग होता रहेगा साथ ही में। देख सकते यहाँ पर मैंने अपना चैनल का नेम लिखवाया है। और ये इसका माउंट भी देखिए, आपको अगर ये माउंट परचेस करना है तो ये मुझसे परचेस कर सकते हैं, और लाइट भी आपको परचेस करना है, और स्विच और रिले ये आपको परचेस करना है तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपको ये कुरियर हो जाएगा, और इसका प्राइस भी डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। माउंट का मैं सबका ही प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्विच ये मिरर माउंट स्विच है ये, और हैंडल माउंट भी आता है, ये मिरर माउंट है ये अभी, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, आप देख सकते हैं रबर का सील लगा हुआ है। आपको परचेस करना है तो मुझसे परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसका प्राइस भी दिया हुआ है। और ये इसका लुक, और इसका नाइट लुक भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी मैं डे टाइम लुक दिखा रहा हूँ, अभी देख सकते हैं मैं एकदम प्रोफेशनल काम किया है इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा है। आप देख सकते हैं मैंने सिलिकॉन स्लीव वगैरह पूरा इंस्टॉल किया है, ये हीट सिंक केबल ट्यूब, और इसको पूरा सोल्डरिंग किया हुआ है। मैं आपको सोल्डरिंग भी दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करके मैं इसको पूरा एकदम प्रॉपर कर दिया, इससे एक भी बूंद पानी अंदर ना जाए वायरिंग में। अब देख सकते हैं आपको भी ऐसा वर्क करना है और आप नागपुर से तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ऐसा काम अगर करना है तो प्रोफेशनल तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर मैंने इंस्टॉलेशन पूरा प्रॉपर कर दिया, अगर आप नागपुर से मुझसे करवा सकते हैं उसका इंस्टॉलेशन चार्ज अलग रहेगा, और ये लाइट भी मुझसे परचेस करना है तो परचेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नाइट का व्यू। तो गाइज मैंने प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज देखिए ये लो बीम, आप देखिए ये आग पे नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो एक प्रोजेक्टर टाइप में आता है। और देखिए अब नीचे होगा तो आपको ये लगेगा, इसको मैंने प्रॉपर एडजस्टमेंट अभी कर दिया है मैंने,
मतलब लो बीम प्रॉपर कर दिया और हाई बीम भी दिखाया था वो आपको। ये इसका हाई बीम, बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। मैं आपको अभी फ्रंट व्यू देता हूँ। तो गाइज ये है इसका लाइट, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ येल्लो वाला। ये देखिए मिडल स्टैंड पे बाइक है और इसका लाइट देखिए, फोकस देखिए आप। मैं और पीछे आकर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसका लो बीम है ये येल्लो वाला, ये लो बीम है इसका। मैं अभी हाई बीम दिखाता हूँ आपको, ये इसका हाई बीम देखिए कितना ज़बरदस्त है। और इसका ब्राइटनेस HJG मिनी ड्राइव से भी ज़्यादा है, मैंने कंपेयर करके देख लिया है। और देखिए कैसा ब्राइटनेस है इसका, ये हाई बीम है इसका। और मैंने प्रॉपर सेट किया हुआ, ये इसमें काम नहीं करेगा, ये हाई बीम है इसका। और ये हाईवे पे ही जहाँ सिंगल रोड है वही यूज़ कीजिए तो अच्छा है। ये लो बीम मैं सिटी में भी यूज़ करता हूँ क्योंकि ये देखिए आपके आँख पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वहाँ तक उसका कट हो जाता है, उसके आगे कई आँखों पर नहीं लगता है। और हाई बीम का मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, ये लो बीम है और ये इसका हाई बीम। देखिए हाई बीम देखिए कितना ब्राइट है, और ये है लो बीम। ये बाइक स्टार्ट रखा है क्योंकि ये साथ में चार्जिंग भी होता रहा, उसका मैंने आपको दिखाई दिया था, ज़्यादा ये बैटरी कंज्यूम नहीं करता है। अभी आइडल पे है इसलिए अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, वो देख सकते हैं ऐसा बढ़ेगा धीरे धीरे। तो आपको अगर ये परचेस करना है लाइट और ये क्लैम्प और वायरिंग हारनेस तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका प्राइस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये इसका लाइट, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही मॉडिफिकेशन एंड टिप एंड ट्रिक वीडियोस के लिए। मैं और भी बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन वीडियोस लाने वाला हूँ, तो जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप कमेंट में बताइए लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी मॉडिफिकेशन एंड टिप एंड ट्रिक वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।